हेलो फ्रेंड्स, मैं योगिता चौक से आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर अपने किचन योगितास किचन में। आज हम बनाएंगे टेस्टी एंड हेल्दी वेजिटेबल सूजी का उपमा। यह एक डाइट फूड है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए आज हम बनाते हैं वेजिटेबल सूजी का उपमा। उपमा बनाने के लिए हम लेंगे सूजी, ये हमने 2 कटोरी सूजी ली हुई है। प्याज, 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है। आधा कटोरी मटर लिया है, ये फ्रोजन मटर है। आधा कटोरी हमने गाजर ली हुई है। आधा कटोरी शिमला मिर्च ली हुई है। आधा कटोरी टमाटर लिया हुआ है, 1 मीडियम साइज का टमाटर काटा हुआ है। गार्निशिंग के लिए हरी धनिया पत्ती ली हुई है। 4-5 हरी मिर्च ली हुई है, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। हींग, 1 पिंच हींग ली है। राई ली है 1 चम्मच। कड़ी पत्ता लिया है कुछ, 1/4 चम्मच। हमने हल्दी पाउडर लिया हुआ है, ये आप ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं डालिए। लाल मिर्च पाउडर भी 1/4 चम्मच लिया है, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, कम तीखा या ज्यादा तीखा के हिसाब से, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 नींबू का रस लिया हुआ है। घी, शुद्ध घी थोड़ा सा लेंगे। 50 ml के लगभग हमने ऑयल लिया हुआ है। चलिए हम उपमा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देते हैं। उसमें हमने 2 चम्मच घी डाल दिया है, शुद्ध घी। घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म हो चुका है, अब हम सूजी डाल देंगे। सूजी को हमने हल्का गुलाबी होने तक के लिए भूंज लिया है। सूजी अच्छे से भूंज गई है और गुलाबी भी हो गई है। इसको भूनने में हमें 5 मिनट लगे हैं। अब हम इसको किसी बर्तन में खाली कर लेंगे, गैस को ऑफ कर देते हैं। हमने कढ़ाई फिर से रख दी है, इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें अब डाल देंगे राई। हींग, कड़ी पत्ता, प्याज मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हरी मिर्च डाल देंगे। गुलाबी होने तक के लिए अच्छे से सेक लेंगे। प्याज गुलाबी हो चुके हैं, अब इसमें सारी सब्जियां डाल देंगे। गाजर, शिमला मिर्च, मटर, टमाटर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे, नमक डाल देंगे और मिक्स करके मीडियम आंच पे कुछ देर के लिए ढक देंगे। अब कुछ देर के लिए ढक देंगे। बीच में इसको 1-2 मिनट के लिए चला लेंगे। एक बार सब्जियों को चेक कर लेते हैं, वो पक भी गई है। अब इसमें हम रवा डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अच्छे से मिक्स कर दिया है इसे, इसको कुछ देर के लिए ढक देंगे 2 मिनट के लिए। चेक करते हैं हम एक बार। अब इसमें नींबू का रस डाल देंगे। मिक्स कर देंगे। अब इसमें पानी डाल देंगे हम। इसमें हम 2 कप के लगभग पानी डाल देंगे। मिक्स कर देते हैं अच्छे से और लो मीडियम फ्लेम पे इसको हम पका लेंगे। कुछ देर के लिए ढक देते हैं।
बीच बीच में एक दो बार चला लेंगे हम इसे। एक बार मिक्स कर लेते हैं, चेक कर लेंगे हम अपने उपमा को। देखिए ये अच्छे से पक गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। अगर आप गीला उपमा खाना चाहें तो इसमें और पानी डाल सकते हैं। उपमा सर्व करने के लिए रेडी है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। देखिए बहुत ही प्यारा उपमा, टेस्टी उपमा बनके तैयार हुआ है। आप भी खाइए, सबको खिलाइए, और अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।